नमस्कार दोस्तों, यह है पिपलिया का मुख्य बाज़ार। और आज की तेज बारिश के कारण पूरा बाज़ार जलमग्न हो रखा है। आप ये देख सकते हैं, लोगों की भीड़ लगी है। और ये पांच बत्ती पिपलिया का मुख्य चौराहा है। इस चौराहे से जो पानी गंदे नाले में जाता था, उल्टा आज इस नाले से बाहर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और पूरी रोड दोनों तरफ से जगमग्न है। बहुत दयनीय स्थिति में है इस समय पिपलिया। पांच बत्ती चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक लगातार रोड ने नदी का रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर पानी घुस गया है। और ये जो नाले से पानी निकल कर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जा रहा है, और वहाँ का ग्राउंड भी लबालब हो चुका है। ये कि इस रास्ते से जा रहा है ये पानी। और ये कॉर्न डेयरी के अंदर पानी घुस चुका है। हमारे जुतुबना आ गए हैं, अब गाड़ी के अंदर बैठेंगे। पैदल चलने में मुश्किल हो रही है, पानी इतना भरा है कि पैदल नहीं चला जा सकता है। गाड़ी के अंदर से आपको आज का हाल बताएंगे। इस रोड ने पूरा नदी का रूप ले लिया। आप देख सकते हैं पूरे पूरे जो सीढ़ी थी दुकानों की, ये चबूतरियाँ पूरी डूबने लग गई हैं। एक तरह से पिपलिया में पहली बार इतना पानी भरा देखकर लोगों में घबराहट हो रही है कि कहीं बाढ़ के हालात न हो जाए। आप देख सकते हैं ये प्राथमिक स्कूल के बाहर पूरा अंदर पानी घुस चुका है। गजानन जी के मंदिर की दो सीढ़ियाँ ये डूब चुकी हैं। और ये बस स्टैंड के हालात और भी बदतर, मतलब दोनों साइड, और हाईवे दिख नहीं रहा है बिल्कुल ही। दोनों साइड इतना पानी पानी हो गया है, एक नदी का रूप ले लिया है। वो जो उधर से पानी आ रहा है हाईवे क्रॉस करके इधर जा रहा है, और पूरा पानी के पानी भरा है। कैबिन पानी घुस गया। जितेंद्र सिंह जी आज हमें सहयोग कर रहे हैं रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि पैदल रिपोर्टिंग करना मुश्किल था आज, तो इन्होंने अपनी गाड़ी के रूप में हमें घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जगह जगह तालाब बन चुके हैं गांव में, आप सोच भी नहीं सकते कितना पानी गिरा होगा। और ये जो नाला आता है ये यहाँ आके स्टॉप हो जाता है, यहाँ से फिर एक नदी का रूप लेते हुए बाहर की ओर जा रहा है पानी। बहुत दयनीय स्थिति में हम बाहर निकलेंगे अब, यहाँ थोड़ा सा अच्छा है। ये देखिए जो मुख्य बाज़ार से निकल रहा था पानी, ये यहाँ आकर एक नदी का रूप लेता हुआ। और ये जगदीश जी बांसवली की दुकान है, और हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए बहुत बहुत गहरा पानी है, और बहुत तेज़ गति से पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं इस पानी की गति को। और ये देशी अंग्रेजी शराब की दुकान भी आ गई है, इसी के पास हमारे जगू डॉन की दुकान है, जगू दादा की। चलते हैं जगदीश जी के पास, जानते हैं इनका हाल। पूरा ये नाला जो था ये पूरा भर चुका है। अब आए हम जगदीश जी के यहाँ, जगदीश जी से आते हैं। जगदीश जी कैसी क्या बारिश हुई आज? बारिश की गड्डी से देखो भाई साहब, ये चारों तरफ पानी पानी है। आप तो पानी से चारों तरफ से गिर गए हैं। बिल्कुल सर, आज तो आपकी छुट्टी है, मतलब छुट्टी है, व्यापार ठप हो गया हमारा, ठप हो गया। लेकिन किसानों के चेहरों पर तो फुल खुशी है, रायपुर नदी बहुत तेज आ गई है। बधाई होगा, बहुत बहुत। 3 फुट ओट्टा चल रहा है, बोल रहे हैं चादर चल रही है बांध पे। कुशालपुरा क्रॉस कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, निबेड़ा वाली रपट भी क्रॉस कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद हम जाएंगे
किसी के सहयोग से, क्योंकि आज मोटरसाइकिल ले जाना खतरे से खाली नहीं है, तो किसी की गाड़ी की व्यवस्था होगी तो जाएंगे। अभी भी जीतू बना ने हमारी हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हालात हुए हैं, पूरा पानी पानी हो गया है। कहाँ है सीढ़िया ऊपर से दिखाते हैं एक बार। हाँ ये जगदीश जी का गोडाउन है, गोदाम पानी भिजवा अंदर पानी आ गया, जो उधर से आ रहा था इधर आ गया पूरा। बारिश फिर से शुरू हो गई है, थोड़ी परेशानी होगी कैमरे को, लेकिन ये देखिए पानी पानी हो गया पूरा। ये जो बस्ती है इसके पिछली बार हमने फुटेज आपको दिए थे कि निचली बस्ती जो कही जाती है, ये पानी ने अपने एक नदी का रूप ले लिया है। लोग घरों से बाहर खड़े हैं और एक चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। नेमीचंद जी सीरवी साहब नदी रायपुर की कुशालपुरा क्रॉस कर चुकी है और रायपुर बांध पर लगभग 3 फुट की चादर चल रही है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा सरकारी अस्पताल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक एक इंच, एक इंच भी जगह नहीं है वहाँ पे, पूरा जलमग्न हो चुका है। आज की ये बारिश पूरी रात से पड़ रही है और ये आप देख सकते हैं जगदीश जी के दुकान के आगे की हालत। ये देखिए आप, पूरा एक तालाब का रूप ले लिया है जबकि है छोटा सा एक नाला। हॉस्पिटल में तो एक इंच भी जगह नहीं है खाली, पूरा घर वर सारे डूब चुके हैं। शायद सुनने में आ रहा है पालुंडिया ओटे निकल गया, इसके हिसाब से इतना पानी आया है। पता नहीं वहाँ की स्थिति अभी पता करेंगे जाके, लेकिन सुनने में आया है। हम जब जाएंगे तभी हम कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी तरह की अफवाहों पर हम ध्यान नहीं देते, हम ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, प्योरली आधिकारिक न्यूज़। जो भी है जैसे रायपुर नदी है, रायपुर बांध है, इसकी भी खबर होती है हमारे पास, वो एकदम ऑथेंटिक आदमी द्वारा दी जाती है। जैसे लूणी बांध की जो भी अपडेट थी, श्री डीआर सीरवी जो एई ने सिंचाई विभाग के, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। किसी के कहने पे या किसी के सुनने से हम आप तक कोई तरह की जानकारी नहीं पहुँचाते। फिर से धीमे धीमे बारिश शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है मैं मोबाइल से ही लाइव चलाता हूँ, तो मोबाइल गीला होने लग गया है। आप देख सकते हैं कितना पानी आ गया है, कैमरे पे पानी आ गया। बिल्कुल ये बिल्डिंग भी इधर झूल में बता रहे हैं बना, तो फिर चलते हैं नीचे, फिर चलते हैं। जगदीश जी को कितने जतन करने पड़े हैं पुरानी बिल्डिंग होने के कारण। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पानी 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 चारों तरफ पानी ही पानी है। प्रमुख साहब खुद वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल पहली बार मेरी नज़रों में, तो पहली बार है, इससे पहले पता नहीं। बिल्कुल हॉस्पिटल की तो हालत बहुत बदतर हो चुकी है, लबालब भर चुका है पूरा। वहाँ पे पानी रोक कर पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ट्रैक्टर द्वारा, शायद आपको नज़र आएगा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, जब जहाँ तक होता है। देखिए नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा क्लियर नहीं आ पाएगा, कैमरा भी भीग चुका है। वहाँ पानी को रोक कर डाइवर्ट किया जा रहा है।
लेकिन पानी इतना तेज है कि मुझे नहीं लगता ये डायोड उनसे हो पाएगा। आप देख सकते हैं लोगों की परेशानी। हवा तेज आवे तो उड़ जावे तो ध्यान दे रही तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जानकारी मिल सके लोगों को। आज पूरे गांव में लगभग दुकानदारों की तो छुट्टी ही है, ठीक है, कोई ज़रूरी काम वाले दुकान खुली है बाकी, क्योंकि बाज़ार तो वैसे ही नदी बन चुका है, आपको मैंने पहले दिखाया था। और जो लोग देरी से जुड़े हैं इसको शुरू से देखें लाइव को, तो आपको नज़र आएगा बाज़ार की क्या स्थिति है। ठीक है बना, चलते हैं फिर। ओके दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। शायद हमारे सहयोगी दिनेश जी बागड़ी यहाँ पहुँचते ही हम कुशालपुर नदी की ओर कूच करेंगे और आपको लूनी नदी का लाइव दिखाएंगे। धन्यवाद।